वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है 14 अक्टूबर की आईएलएस एग्जाम की कंप्लीट प्रेडिक्शन वीडियो विद टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि रजी उस दिन एकेडमिक वालों का एग्ज़ाम है, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक इट एज अ गैस वर्क। जैसे कि रजे 9 अक्टूबर की ऑलरेडी प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको डेली बेसिस पर फ्री आइल्स का मटेरियल मिलता है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रजे सबसे पहले बात करेंगे लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग के पार्ट वन में आ सकते हैं जो कि होंगे फिलअप्स, जो कि होंगे वन वर्ड एंड और अ नंबर। पार्ट टू में आ सकते हैं मैप कंप्लीशन, उसके साथ आएंगे शॉर्ट एमसीक्यूज एंड पार्ट थ्री में आएंगे लार्ज एमसीक्यूज एंड उसके साथ आएंगे मैच द इंफॉर्मेशन। पार्ट फोर में आएंगे फिलअप्स जो कि होंगे वन वर्ड ओनली। ओवरऑल जो लेवल आ सकता है वो होगा ईजी टू मॉडरेट। और जैसे कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि जो बैकग्राउंड स्पीड होती है लिसनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि पार्ट वन एंड टू के लिए 1.25x रख सकते हैं, पार्ट थ्री एंड फोर के लिए 1.5x रख सकते हैं। जैसे कि रजे आगे हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में। अगर रीडिंग में आप 5.5 बैंड पर स्टक हैं तो आप रीडिंग की मास्टर वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अब हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रीडिंग की मेरी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि पैसेज वन में आ सकते हैं फिलअप्स जो कि होंगे वन वर्ड ओनली, उसके साथ आएंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पैसेज टू में आ सकते हैं मैच द इंफॉर्मेशन एंड उसके साथ आएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग और पैराग्राफ सिलेक्शन। इन दोनों में से चॉइस आएगी, जहाँ तो लिस्ट ऑफ हेडिंग आएगी जब पैराग्राफ सिलेक्शन आएगा। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज टू में नहीं आते तो पैसेज थ्री में आएंगे। उसके साथ आएंगे सिलेक्शन ऑफ लेटर्स, उसके साथ आएंगे फिलअप्स। पैसेज थ्री में आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस नो नॉट गिवन। उसके साथ आएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि जो एग्ज़ाम रिपीट होता है इस वेबसाइट में से आता है रीडिंग, जो एग्ज़ाम में रीडिंग आती है IELTSFever.com। ओवरऑल जो लेवल आ सकता है वो होगा मॉडरेट। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि जो ओवरऑल लेवल होगा वो तो मॉडरेट होगा, और प्रैक्टिस के लिए आप IELTSFever.com से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से मोस्टली रीडिंग आती है। सेकेंड वेबसाइट है IELTSOnlineTraining.com एंड थर्ड वेबसाइट है MiniIELTS.com, वहाँ से कैम्ब्रिज का मोस्टली मटेरियल मिलता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क के बारे में। राइटिंग टास्क वन में आ सकता है लाइन, पाई, बार, प्रोसेस, और राइटिंग टास्क टू में आ सकता है एग्री और डिसएग्री। डिस्कस द बोथ व्यू एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ये तीन टाइप आ सकते हैं। साथ के साथ आप राइटिंग टास्क वन एंड टू के टेम्पलेट वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और जो टॉपिक राइटिंग टास्क टू में एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, अब हम वो टॉपिक्स चेक करते हैं। जैसे कि टॉपिक नंबर वन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड टॉपिक है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, थर्ड टॉपिक है जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है इन्वायरमेंट, फिफ्थ है वर्ल्ड इशूज़ जैसे कि पॉपुलेशन, जेंडर एंड एज ग्रुप, सिक्स्थ है सोशल, सॉरी फिफ्थ में ही आ रहा है सोशल एंड फैमिली, सिक्स्थ है ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म, सेवन्थ आर्ट एंड कल्चर, एट्थ एजुकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कि ऑनलाइन पर भी आ सकता है, ऑफलाइन पर भी आ सकता है, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर आ सकता है। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।